दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा हिंदी में। और आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक बहुत ही जबरदस्त दवाई कोंच पाक के बारे में। इस वीडियो में जानकारी देंगे और ये पाक विधि से इसको बनाया जाता है। और कोंच के जो बीज होते हैं वो इसका मेन कंटेंट होता है, और जो मेन जड़ी बूटी इसकी होती है वो कोंच के बीज होते हैं, जो कि काफी ज्यादा बलशाली होते हैं और ये पूरे शरीर को बल देने वाली, इसके अलावा वजन को बढ़ाने वाली और पुरुषों के लिए खास होती है पावर स्टेमिना को बढ़ाने वाली, इसके अलावा बीड़ी विकारों को दूर करने वाली बहुत ही जबरदस्त और इफेक्टिव दवाई है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कोंच पाक के बारे में। इसको व्यास बनाती है और भी दो तीन कंपनियां इसको बनाती है, और ये एक तरह का जो है पाउडर फॉर्म में मिलता है, लेकिन थोड़ा सा मोटा और दरदरा होता है। तो ये बात करेंगे सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट के बारे में, फिर बात करेंगे इसके फायदे के बारे में। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो कोंच बीज, जैसे कि मैंने बताया, इसका मेन कंटेंट होता है इसके अंदर जायफल, जावित्री, सौंठ, लवंग, अकरकरा, ईरानी और इसके अलावा जीरा, पीपली, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेसर, कपूर, सफेद मिर्च, केसर, अजवाइन, खुराशानी, ताल मखाना और वंशलोचन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कुछ भस्में इसके अंदर इस्तेमाल किए, जैसे नाग भस्म, वंग भस्म और लोह भस्म का इस्तेमाल किया गया, और घी, शहद और दूध, गाय का दूध लिया जाता है, करंज और इसके अलावा समुद्र सौ, करंज की जो है घी ली जाती है, और सफेद मूसली के इस्तेमाल से इसे जो है पाक बनाने की जो आयुर्वेद की विधि उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अब ये जो जड़ी बूटियां हैं बहुत ही जबरदस्त और इफेक्टिव है अपने आप में, जो कि इसको बहुत ही पावरफुल बना देती है। दोस्तों यह कामोद्दीपक होता है और ये बल बुद्धि को जो है ताकत को बढ़ाता है। इसके अलावा पुरुषों में वीर्य विकारों को दूर करता है, और वीर्य विकारों को दूर करने का जो इसमें है कि शीघ्रपतन जैसी समस्या खासतौर से पुरुषों में देखने को मिलती है, तो वीर्य विकारों को दूर कर इस समस्या को भी ठीक करता है। अब इसके अलावा इसके इस्तेमाल से युवावस्था में होने वाली बहुत ही कॉमन समस्या धात का जाना, इसके अलावा स्वप्न दोष जैसी समस्या का होने जैसी परेशानी में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिल जाते हैं। शुक्र धातु को यह गाढ़ा करता है। शुक्र धातु जब गाढ़ा होता है तो धात, स्वप्न दोष, शीघ्रपतन जैसी समस्या यह ठीक होती है। इसके अलावा नसों की दुर्बलता है, वो जाने अनजाने में किसी युवावस्था में गलती की वजह से नसों की दुर्बलता हो जाती तो उसमें अच्छा काम करता है। स्तंभन शक्ति को बढ़ाता है और यौन शक्ति वर्धक इसे माना गया है, यौन शक्ति को ये बढ़ाता है, और ये पाक नपुंसकता नाशक इसको कहा गया है। और इसके अलावा पौष्टिक, बीज वर्धक और बाजीकारक ये होता है। और दोस्तों इसके अलावा काम शक्ति वर्धक होता है, काम शक्ति को ये बढ़ाता है, और धातु की क्षीणता को ये दूर करता है, और मानसिक तनाव जैसी परेशानी है यानी शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, इस तरह की परेशानियों को भी ये दूर करता है और यौन शक्ति को ये बढ़ाता है। तो मानसिक कमजोरी में जैसे मानसिक तनाव हो सकता है, इसके अलावा मानसिक थकान हो सकती है, ये शारीरिक थकान की परेशानी, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। ओवरऑल पूरे शरीर को ताकत देता है, पूरे शरीर को बल देता है, बुद्धि को भी बढ़ाता है। और दोस्तों एक इसका खास काम है वो टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हॉर्मोन है उसको ये नेचुरली जो इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से पूरे शरीर में ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होती है, और समय से पहले बुढ़ापा आने जैसी समस्या के जो लक्षण है खासतौर से उसको ये दूर करता है, डिले करता है, काफ़ी इसमें ये फायदा करता है। तो इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम हैं, और ये ओवरऑल जो वजन बढ़ाने का भी ये काम करता है। पुरुषों में या युवावस्था में वजन नहीं बढ़ता है, किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से वजन नहीं बढ़ रहा, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका वजन बढ़ने लगता है इससे। तो इसके कुछ काम है। इसके अलावा भी जो है वैद्य हकीम लोग अपने तजर्बे के आधार पर इसे बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं, दूसरी सहायक दवाइयों के साथ में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं या इस तरह की परेशानियों में, तो इसे लंबे टाइम की इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेद में, काफी लंबे टाइम दवाई को जाता है इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। कम से कम 3 से 4 महीने इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे लगातार तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, और इससे जो वजन बढ़ेगा वो आपका घटेगा भी नहीं। तो दोस्तों बात करें इसको लेने के तरीके के बारे में, इस्तेमाल के बारे में, तो 1 से 2 चम्मच सुबह और शाम इसको दूध के साथ में, या मिश्री मिले हुए दूध के साथ में, या किसी दूसरी सहायक दवाई के साथ में इसको लिया जाता है। इसके अलावा अपने डॉक्टर या किसी वैद्य हकीम की सलाह से भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये व्यास का ज्यादातर मिलता है मार्केट के अंदर, अच्छी कंपनी है व्यास। तो व्यास का 200 ग्राम 235 रुपए में फिलहाल का रेट है, बाकी समय के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है, और भी कंपनियां इसको बनाती है, किसी भी अच्छी कंपनी का लेके इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा कोंच पाक के बारे में, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।